हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि इस टेबल को वी लुकअप कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, ऊपर वाला हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉपी एंड देन आपको यहां पर पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा ये पूरा डाटा यहां पर पेस्ट हो चुका है। आप इसको सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेम का कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा एंड देन वहाँ डाटा टेबल में जाके आप एनी वैल्यू है उसको लिस्ट करेंगे, लिस्ट में क्लिक करेंगे एंड देन सोर्स आपका खुल जाएगा। तो उस सोर्स में आपको नेम का पूरा नेम कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट लिस्ट क्रिएट हो जाएगा एंड देन आपको ओके कर देना है। इस सोर्स में आपको सिलेक्ट करना होगा, देन ओके करेंगे तो आपका लिस्ट क्रिएट हो गया। ये देखिए हमारा लिस्ट है, बहुत सारे लिस्ट जो क्रिएट हो गए, जो हमने बनाए थे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्रिएट हो गया। एंड देन आपको उस नेम के नीचे फॉर्मूला लिखना है वी लुकअप, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया जिसके कारण इसने आया। उसके बाद आप वी लुकअप इक्वल वी लुकअप प्रेस करेंगे, थोड़ा सा डाटा स्लो है इसलिए ऐसे हो रहा। नेक्स्ट आप उसे यहीं पर टाइप करना है इक्वल टू वी लुकअप एंड देन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फर्स्ट में वैल्यू है तो आपको फर्स्ट कॉलम में नेम का ही सिलेक्शन लेना है एंड देन टेबल एरे में आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम कौन सा है, तो कॉलम वन है नेम, तो वन प्रिंट वन प्रेस करेंगे एंड देन रेंज नेम में जीरो एंड देन ओके। देन नेक्स्ट वैल्यू सेम कंडीशन आप और ये सब्जेक्ट में भी दोहराएंगे, भी लुकअप लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, उसके बाद नेम का सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद टेबल एरे पूरा आपको लेना होगा। पूरा लेने के बाद आप फिर कॉलम इंडेक्स टू एंड देन जीरो एंड देन ओके एंड नेक्स्ट टाइम फिर सेम कंडीशंस और ये सब्जेक्ट में भी सेम कंडीशन करना होगा आपको। वी लुकअप देन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हमेशा याद रखेंगे क्योंकि लिस्ट जहाँ से क्रिएट हुआ उसी का मैं फर्स्ट का सिलेक्शन लेंगे और उसके बाद टेबल एरे ले लेंगे। ये कॉलम थ्री हुआ देन थ्री एंड देन जीरो ओके। फिर सेम कंडीशंस करेंगे, इंग्लिश में भी आपको करना होगा। उसके बाद वी लुकअप फिर सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और नेम एंड देन टेबल पूरा एंड देन आपको क्या करना है, फिर फोर काउंट कर लेंगे क्योंकि वन टू थ्री फोर हुआ एंड देन जीरो ओके। फिर नेम कंडीशन, फिर सेम कंडीशन करना है, सेम फंक्शन को अप्लाई करेंगे इसमें भी। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मेरे तरफ से जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आप टेबल एरे का सिलेक्शन लेंगे एंड देन फिर यहाँ पर फाइव कॉलम्स हुआ देन फाइव कॉलम एंड देन जीरो और ओके प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से सेम कंडीशन सिस्टम में करना है, वी लुकअप एंड देन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए एंड देन नेम फिर टेबल एरे पूरा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फिर से ये सिक्स हो जाएगा एंड देन जीरो ओके। फिर नेक्स्ट टोटल मार्क्स में भी सेम कंडीशंस करना है, सेम फंक्शन सेम फॉर्मूला को यूज करना है एंड देन सेम रूल्स आर फॉलो देयर। फिर ब्रेकर स्टार्ट करेंगे, फिर नेम जो लिस्ट क्रिएट है वहीं से क्रिएट होगा, पहले आप कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये सेवन एंड देन जीरो देन जीरो। नेक्स्ट कॉलम रेंज में आपको जीरो टाइप करना है, क्लिक करेंगे जीरो टाइप कर देंगे एंड देन ओके प्रेस कर देंगे।
ये देखिए मेरा वी लुकअप क्रिएट हो गया। आप यहाँ से जिसका नाम सर्च करेंगे आपका उसका नंबर इसमें शो हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें सर्च भी करेंगे तो वहाँ पर सर्च हो जाएगा, जैसे राम सर्च किए तो राम आ गया। तो आप जिसको ड्रॉप लाइन नेम सेलेक्ट करेंगे उसका वैल्यू आपको क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपका डाटा इजी वे में एक जगह से एक का डाटा दिखेगा। ये लास्ट डाटा को एक सिंगल यूज़र में क्रिएट करने के लिए आप सीख सकते हैं। और थैंक यू, और मेरे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल AK फोटोशॉप को सब्सक्राइब करेंगे। आप यहाँ फिर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे राम सर्च किए हैं देन इंटरफेस करेंगे तो आप राम का इंटर जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके।